नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं लीप ईयर कैलकुलेटर इन पाइथन कि कैसे हम पाइथन में लीप ईयर कैलकुलेटर बना सकते हैं। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे लीप ईयर क्या बला है। लीप ईयर बला ये है कि हमारे नॉर्मल साल में यानी जिस साल में हम रहते हैं 365 डेज होते हैं, लेकिन लेकिन 365.6 डेज होते हैं, यानी कि 365 टोटल डेज और 6 आवर्स जो एक्स्ट्रा होते हैं रोटेशन में। इसको पूरा एक नॉर्म एक ईयर कहा जाता है। और लीप ईयर है जब हर चौथे साल में जब 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं उसी को लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं पूरे, और एक जो डे है वो हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब हम चेक करेंगे कि लीप ईयर कैसे हम निकाल सकते हैं। किसी भी ईयर आपको दिया गया हो उसे हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे। लीप ईयर निकालने के लिए सिंपली कोई भी नॉर्मल ईयर है आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो एक लीप ईयर है, लेकिन अगर वो एक सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर यानी उसकी लास्ट में 20 है, जैसे 300, 400, 1900, 2000, इस तरीके से अगर 00 है तो उसको आपको 400 से डिवाइड करना होगा। बस इतना सा केस है, नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करना और सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करना। और कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जा रहा है तो आपका लीप ईयर है। ये पाइथन में कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं। तो मैं विंडो ओपन कर लेता हूँ आइडियली। अब जब आपने सीख लिया है कि क्या कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का, तो आप बना सकते हैं इजीली। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, जो कि आइडियली खोल रखा है मैंने। थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, बस ना हो जाए। सबसे पहले कमेंट आउट करेंगे कि हम बना रहे हैं लीप ईयर कैलकुलेटर, लीप ईयर कैलकुलेटर बना रहे हैं। सबसे पहला काम यूजर इनपुट लेना है। यूजर ईयर एक वेरिएबल में ले लेते हैं, इंटीजर में लेते हैं। इनपुट और मैसेज शो करेंगे एंटर द ईयर, और इसको ठीक और जो है सबसे पहले हम लॉजिक अप्लाई करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि सेंचुरी ईयर है या नहीं। सबसे पहला काम ये, कैसे चेक किया जाएगा, 100 से डिवाइड करके। अगर लास्ट में 20 ही तो वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि अगर फुली डिवाइडेड है यानी रिमाइंडर अगर 0 है तो वो एक सेंचुरी ईयर। सबसे पहले पता करते हैं कि वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। अगर डिवाइड किया हमने 100 से तो जो है सबसे पहले 100 से डिवाइड किया और फिर उसके अंदर इफ कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले इक्वल 0 कर देते हैं। हाँ, अगर रिमाइंडर 0 है तो चेक करो भाई, इफ यूजर इज डिविजिबल बाय 400। अगर 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो प्रिंट कर दो कि यूजर आपका ईयर जो है वो एक लीप ईयर है, इज अ लीप ईयर। इसको कॉपी कर लेते हैं, एल्स लगाएंगे इसी में, अगर नहीं है तो प्रिंट कर देना है इज नॉट अ लीप ईयर। ये तो हमने चेक कर लिया कि सेंचुरी ईयर के लिए। आप देखिए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, कोई भी एक ईयर सेंचुरी ईयर एंटर करते हैं, जैसे कि 1600। हाँ, लीप ईयर है। और चेक करेंगे ईयर 34 00 नहीं है, लीप ईयर। ठीक,
इतना हो चुका है हमारा, अब हम एल्स लगाएंगे आउटर ब्लॉक के लिए और अब चेक करेंगे फोर से डिविजिबल है या क्लियर डिविजिबल बाय फोर। तो प्रिंट कर दो कि इज एन नेपियर, और अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो कि इज नॉट अ नेपियर। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, 2012 इज अ लीप ईयर, ठीक है, और 3567 इज नॉट अ लीप ईयर, और 6400 इज अ लीप ईयर, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया है लीप ईयर कैलकुलेटर, इजीली लॉजिक अप्लाई किया है और हमारा लीप ईयर कैलकुलेटर बन चुका है। इसी प्रकार से आप पाइथन में किसी भी तरीके का प्रोग्राम बना सकते हैं, बस आपको लॉजिक ब्रेक डाउन करना होगा, सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।